डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम काले चने भुनने जा रहे हैं बाजार के जैसे सिर्फ 2 और 3 मिनट के अंदर। बहुत ही अच्छे चने गर्मा गर्म भून के तैयार होंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं काले चने को हम घर में कैसे भूनते हैं सिर्फ 2 और 3 मिनट में। काले चने को भूनने के लिए हमने लिए हैं 1 कटोरी काले चने। ये काले चने जो है मैंने मोटे वाले लिए, आप देखें। भूनने के लिए हमेशा आप मोटे वाला चना इस्तेमाल करें, बारीक वाला ना करें, क्योंकि चने कई तरह के होते हैं। और ये मैंने लिया है सिंधा नमक, ये मैं बेक के लिए यूज करती हूँ, मैंने पहले भी यूज कर रखा है जब मैं केक वगैरह बनाती हूँ, तो ये वही नमक है बचा हुआ। थोड़ी सी हल्दी है, ये मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाने जा रही हूँ। ये हल्दी है, इसके अंदर हम डालेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। चने को हम सबसे पहले एक बाउल में डाल देते हैं। अब हल्दी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये हल्दी के अंदर हमने हल्का सा पानी डाल दिया और हल्दी को अच्छे से घोल लेंगे थोड़ा सा और, यानी हल्दी हमारी पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। ये हमारी हल्दी अच्छे से घुल गई है पानी में, करीब 2 चम्मच पानी डाला है इसके अंदर। इसे हम चने के अंदर डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स, इससे चने का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमने करना क्या है, ये नमक को इसे एक कढ़ाई में डालेंगे। ये कढ़ाई मैंने लोहे की यूज की है, आप एल्युमिनियम की ले सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं, कोई भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी खुली कढ़ाई है तो मैंने इसलिए ये लोहे की कढ़ाई ली है। फ्लेम हमने हाई कर दिया। यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है चने भुनने के टाइम कि नमक जो है वो हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, खूब ज्यादा गर्म। अगर नमक आपका गर्म कम होता है तो आपके चने एकदम से नहीं भुने जाएंगे, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप चने भुनना चाहते हैं अच्छे से तो एक तो चने आपने मोटे वाले लेने हैं और सेकंड आपने जो नमक है वो अच्छे से गर्म करना है, यानी काफी ज्यादा गर्म। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत अच्छी हीट आ रही है इस तरह हाथ पे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से चने। आप देख रहे हैं कि चने एकदम से फटने लग गए हैं क्योंकि नमक हमारा अच्छे से गर्म है। आपने यही बात ध्यान में रखनी है कि नमक हमारा गर्म होना चाहिए। इस तरह से हमने इसे निकाल लेना छान के। ये हमारे चने भुन के तैयार हैं। गरम नमक के अंदर जब हम चने डालते हैं तो उन्हें भुनने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता और एकदम से फटने लग जाते हैं। ये देखो आप, हल्दी लगाने से इसका कलर जो है बिल्कुल बाजार के जैसा आया है। आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो लगाएं, नहीं मर्जी तो ना लगाएं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बाजार के जैसा बनाया इसलिए मैंने हल्दी लगाई है। तो चने भुनना घर में बहुत ज्यादा ईजी है, आप बाजार से ना खरीद कर घर में जब दिल करे चने भून कर खा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।